ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज हम एक बिल्कुल न्यू वीडियो के साथ आए हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या आपको इस रिश्ते में मूव करना चाहिए या वेट करना चाहिए, अभी क्या एनर्जीज हैं, क्या दिख रहा है फ्रेंड्स। तो आपके रिश्ते की कंबाइंड एनर्जी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि आपको मूव करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो एक ये रीडिंग करेंगे, नेक्स्ट हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे, ओवरऑल क्या दिख रहा है, क्या करना चाहिए आपको, क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और जो पहले से हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसीलिए आई थिंक मैं हर एक वीडियो में इस चीज़ को बोलती हूँ। आते हैं रीडिंग के ऊपर। तो रीडिंग में जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, ज़बरदस्ती कुछ भी अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि आप इसे सन और मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये एक तरह से टाइमलेस रीडिंग होती है, जैसे ही आपके सामने आए तो आपके ऊपर लागू होती है। तो ये नहीं है कि मुझे देर से मिली तो ये बहुत पुरानी हो गई है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई वीडियो कोई मैसेज आपको मिलता है तो वो आप ही के लिए बना होता है फ्रेंड्स, इसीलिए वो आपके आगे आया होता है, ठीक है। सो अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि आपके रिलेशनशिप की कंबाइंड एनर्जी क्या है, क्या दिख रहा है इस रिश्ते की एनर्जी में, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं। सो द हाई प्रीस्टेस, टॉरस, द मैजिशियन, फोर ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो टॉरस बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कार्ड्स आए हैं। क्रिस्टल क्लियर कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम साफ। किसी तरह के इंसाफ की या किसी तरह की नाइंसाफी हुई है इस रिश्ते में, और दोनों में से कोई एक जना, हो सकता है टॉरस आप, हो सकता है आपके पार्टनर, मतलब ऊपर वाले के आगे हाथ उठाकर अब चाहते हैं कि रियलिटी का सामना हो, और जो ऊपर वाले ने जो सच है, जो होना चाहिए वो हो, आप दूसरे पार्टनर के साथ या आपके साथ, हो सकता है आप हो। क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट दो ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पर सरेंडर भी हो चुका है और ऊपर वाले के सामने गुहार भी लगाई जा सकती है। हो सकता है किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, कुछ इस तरीके की भी है। मैजिशियन के कार्ड से मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है, और हाई प्रीस्टेस मैजिशियन मतलब बहुत ही ऐसा पर्सन होता है जो ये सोचता है लाइफ में कि जो उसको चाहिए वो उसको मिल जाए, वो उसके लिए मेहनत करता है, एफर्ट्स करता है, और कहीं ना कहीं वो इंसान ऐसा होता है कि सिर्फ खाली खाली मेहनत नहीं करता, उस मेहनत के ऊपर एफर्ट करता है, बहुत तरह से चीज़ें करता है, और बहुत कैलकुलेटिव होकर सोचता है, बहुत कैलकुलेटिव होकर चलता है, बहुत कैलकुलेटिव मूव्स लेता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि एक पर्सन दोनों में से बहुत ही इस टाइम बिल्कुल डिफरेंट जोन में, मतलब कि अगर आप या तो आप इस टाइम चुप हैं या वो चुप है, लेकिन मतलब तपाक से जवाब देना, अगर हल्का सा छेड़ दिया ना उस पर्सन को तो सामने से ऐसे मतलब बिजली कौंधला जाएगी, इस हाई लेवल का है। या तो आप अगर ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं या वो, दोनों में से कोई एक जना ऐसा है जो बस काट के रख दे वाला जोन में, कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। सो देखते हैं कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। ये तो मतलब कंबाइन एनर्जी है, सो मूव ऑन के कार्ड दिख रहे हैं, या फिर इस रिश्ते में अब रुकना चाहिए और समय देना चाहिए। सो मूव ऑन एंड कंबाइन में क्या करना चाहिए। टेन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मेट एंड
किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो जहाँ तक मुझे कार्ड्स के अकॉर्डिंग दिख रहा है, मुझे यही दिख रहा है कि आपको सोच समझ के, लोगों की राय लेके, लोगों के साथ एक डिस्कशन कर इस रिलेशनशिप की फाइनल एंडिंग कर देनी चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप अब एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे मुकाम पर आ गया है जहाँ से शायद वो चीज़ें संभल में नहीं आ रही, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, और एक इंसान बहुत हाईली नेगेटिव हो चुका है और एक ने बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि उस चीज़ को बिल्कुल ही लटकाया जा सके। इट्स बेटर कि आप उस चीज़ को अब छोड़ दें। मुझे यही नज़र आ रहा है, मुझे कोई पॉजिटिविटी इतनी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही। नो मैटर कितना भी लव था इस रिश्ते में, नो मैटर कितनी भी चीज़ें अच्छी थी, बट मुझे अब कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। सैडनेस और एक हारे हुए इंसान जैसी फीलिंग आ रही है। सो इट्स बेटर कि आप आगे बढ़ें, मूव ऑन करें और आगे की सोचें। सो मूव ऑन है टॉरस आपके लिए, ना कि वेट है इस रिलेशनशिप में। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या दिख रहा है। सो देखते हैं टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन ऑर्डर। सो डिवाइन ऑर्डर ये है कि डू व्हाट इज राइट, जो आपको सही लगता है, जो सही है वही करें। एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिल रहा है आपको ज़िंदगी का। हो सकता है ये जो पर्सन के साथ आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, ये आपको ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट कोई लेसन सिखाने आया था और वही शायद आपको अब पता चल गया है। अगला है वॉइस ऑफ द ट्रुथ, यानी सच की आवाज़। सो स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। तो सच बोलें, सच के रास्ते पे चलें। अगर आप अभी नहीं चले हैं सच के रास्ते पे तो शायद अभी टाइम आ गया है, और अगर आप ऑलरेडी चल रहे थे तो चलते रहें, वैसा ही करते रहें, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव लाइफ फोर्स, यानी एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। तो जो भी आपका पैशन है, इन चीज़ों को भूले नहीं, अपनी लाइफ के पैशंस को ज़िंदा रखें, हॉबीज़ को, खुशियों को, चीज़ों को, लाइफ में जो चीज़ें आपको एक्साइट करती हैं, खुश करती हैं, उनको नज़रअंदाज ना करें, उन पर फोकस करें, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते रहें, ठीक है। सो ये है फ्रेंड्स टॉरस राशि आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली हो और आपको आगे का रास्ता क्लियर हुआ हो मेरी इस रीडिंग के बाद, कि आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। सो क्लेम करना फ्रेंड्स एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अगली रीडिंग में। सो बाय फॉर नाउ।